और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ी देर पहले ग्वालियर में हो रहे किसान सम्मेलन में पहुंचे। कृषि मंत्री ने यहां से कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। नरेंद्र तोमर ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के जाने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने ज्यादा सीटों से सरकार बनाई। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को भड़काया जा रहा है। इस बीच उन्होंने कानूनों का समर्थन करने वाले एमपी के किसानों का शुक्रिया अदा भी किया। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं।